ಬಚ್ಚಿಡಲು ನೋ ಲಿಪ್ಪದಿ ಕಮ್ಮ ರೇಣಿದು ಕದ್ದಂ ಮಜ್ಜೆ ಜಹಾ ಕಡಯ. ಕಡಯ ಶಬ್ದ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೋತಾ ಹೈ ಸೋನಾ. ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತ ಕುಂದಕುಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಸಮಯ ಸಾಲ ಗ್ರಂಥ ಕಿ ಯಹ ಪಂಕ್ತಿಯಾ ಹೈ. ಐಸೆ ಮಹಾಪುರುಷ ಐಸೆ ಸತ್ಪುರುಷ कि आज वर्तमान काल में जो थोड़ा बहुत भी अध्यात्म हमें नजर आ रहा है, थोड़ा बहुत भी अध्यात्म हमें दिखाई दे रहा है, जिस समय क्रियाकांड ने अपने पांव विशेष रूप से पसार लिए थे, उस समय आचार्य भगवंत कुंदकुंद देव ने हमें कहा कि बाहर की क्रिया जरूर करो, लेकिन बाहर की क्रिया अगर अंदर तक नहीं पहुंच पा रही है, बाहर की क्रिया में अगर अंदर का समन्वय नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी बाहरी क्रिया किसी भी प्रकार से परिणामी नहीं होने वाली. एक छोटे से बच्चे को भी आप भोजन कराते हो और अगर वो भोजन करना नहीं चाहता, आप कितना भी उसके मुंह में जबरदस्ती ठूस दीजिएगा, लेकिन वो बच्चा थोड़े ही समय बाद क्या कर देगा, अपने मुंह से निकाल करके उसको बाहर. अंतरंग परिणाम अगर बाहरी क्रियाओं के साथ समन्वित नहीं होते हैं, तो हमारी स्थिति भी ऐसी ही होने वाली है. इसलिए आचार्य भगवंत कुंदकुंद महाराज ने वो अध्यात्म का सार प्रस्तुत करते हुए हमारे सामने ज्ञानी और अज्ञानी के बीच के अंतर को बताया इन दो गाथाओं के माध्यम से कि नाणी रागप जभो. ज्ञानी जो जीव है वो राग से जुदा होता हुआ सब दव्येषु कम्म मज्जगदो सभी द्रव्यों के बीच में रहता हुआ, परिवार के बीच में रहता हुआ, गृहस्थी के बीच में रहता हुआ भी नो लिप्पति कम्म रेणु वो कर्म रज से कभी भी सहित नहीं होता. उदाहरण इतना सुंदर उदाहरण कि सोने को हजारों साल आप रख दीजिए कीचड़ के अंदर, सोने को हजारों साल आप नमी में रख दीजिए, सोने को हजारों साल आप गंदगी के बीच में भी रख दीजिए, तो भी वो सोना कभी गंदगी को ग्रहण नहीं कर सकता. हो सकता है ऊपर ऊपर गंदगी की परत जम जाए, लेकिन जरा सी सफाई करने के बाद वो सोना आपके सामने वैसा ही दमकने लगेगा. उल्टा अन्नाणी गुण रत्तो सब दव्येषु कम्म मज्जगदो लिप्पति कम्म रेणु कद्दं मज्जे जहां लोहम. उसी की जगह लोहे को ले लीजिए आप, उस लोहे को सिर्फ छत पर ठंडी में या बारिश में डाल करके आ जाइए, अगर उसके ऊपर पेंट नहीं किया गया है सुबह तक एक दिन के अंदर अंदर उस लोहे में क्या हो जाएगा. हाँ आप तो ज्ञानी हो सकते जंग लग जाएगा. सबको पता है कि अज्ञानी उसी लोहे के समान, जरा सी परिस्थिति बिगड़ती है, जरा से परिणाम बिगड़ते हैं, जरा सा वातावरण बिगड़ता है और अज्ञानी उस लोहे के समान उस वातावरण से प्रभावित होकर जंग को स्वीकार कर लेता है. जबकि ज्ञानी किसी भी परिस्थिति के कारण, किसी भी परिस्थिति के सामने आने पर उस परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता और समझता है, जानता है. आचार्य भगवंत हमेशा कहते थे अगर आप ज्ञानी बनना चाहते हो तो सूत्र को याद कर लो. बोलो देखो, बोलो ना देखो, अच्छे से बोलो देखो. मैंने बोलने के लिए कहा है देखो, देखो जानो, जानो. अच्छे से नहीं बोले मजा नहीं आया. आपसे कैमरा घुमाओ के सबकी तरफ तब बोलो कैसा. नहीं बोले महाराज एक भाई एक जगह मैंने बोल दिया सभा में, मैंने कहा बोलो तो बोलने को तैयार नहीं हुए, तो मैंने कहा देखो भाई क्यों नहीं बोल रहे हो तुम लोग. तो एक भैया बोलता महाराज कैमरा तो आपकी तरफ चल रहा है आप ही बोलो हम क्यों बोले. मैंने कहा भैया कैमरा घुमा तो जरा ये भी बोल ले. बोलिएगा बड़ी अच्छी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं. बोलो देखो, देखो जानो, जानो जाने दो, जाने दो. अरे ठीक है हाँ यही सत्य है. जिसने इस पंक्ति को समझ लिया, इस पंक्ति को विश्वास कर लिया, इस पंक्ति को अपने जीवन में उतार लिया, उससे बड़ा कोई ज्ञानी संसार में नहीं हो सकता. संसार में कोई भी परिस्थिति आए देखो जानो, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है. बचपन से सुना है जानना और देखना आत्मा का, बस आत्मा का स्वभाव है जानना देखना. और आत्मा का स्वभाव है कि जो आए उसको जाने दो. हम लोगों ने क्या कर लिया, सब कलेक्शन सब इकट्ठा करते चलो, सब इकट्ठा करते चलो. अच्छा कम इकट्ठा करते, बुरा ज्यादा इकट्ठा करते. अगर मैं एक गाना सुना दूं आपको, गाने के एक एक शब्द एक दो बार में रट जाएंगे. और मैंने गाता सुनाई एक आध शब्द भी किसी के दिमाग में याद में रह गया,
नहीं मारा है। आप गाना सुना तो गाना सबको याद हो जाएगा। बुराई बहुत जल्दी याद हो जाती है, बुराई बहुत जल्दी रह जाती है, अच्छाई को संभालना बहुत कठिन होता है। जानो, देखो और जल्दी बोलो, देखो जानो। अनुभव सागर जी को देख लिया, अनुभव सागर जी को जान लिया और अनुभव सागर जी को है। ये महाराज के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये धर्म के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये पाप के लिए कहा जा रहा है, ये दुख के लिए कहा जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी उस समय देखो जानो का मतलब समझ लो, गाली दी तो क्यों दी, क्या आपने उसका कुछ बुरा किया था, क्या आपने उसके साथ कुछ गलत किया था। आप उस समय जरा सा चिंतन कर लीजिए, जरा समझ लीजिए, और अगर आपको पता है हाँ मैंने किया था तो पलट के गाली देने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो जानो। और एक बहुत अच्छे सेठ जी थे, सेठ जी सब अच्छे ही होते हैं, एक बहुत अच्छे सेठ जी थे, अपने सोफे के ऊपर बैठे, लेकिन ऐसे वाले सेठ जी नहीं थे, वो थोड़े कंजूस वाले सेठ जी, गाली तो अच्छे वाले सेठ जी, वो कंजूस वाले सेठ जी थे। और उन सेठ जी ने कई दिनों से रसगुल्ला नहीं खाया था, कई दिनों से गुलाब जामुन नहीं खाया था। क्यों नहीं खाया था? अब मैं खाऊंगा तो पत्नी भी खाएगी, पत्नी खाएगी बेटे भी खाएंगे, और मेरी पत्नी में ज्यादा दया भरी हुई है, फिर वो नौकर को भी खिलाएगी, थोड़ा अड़ोसन पड़ोसन को भी खिलाएगी। साल गुजर गया गुलाब जामुन नहीं खाया, आज तो मार्केट से निकला गुलाब जामुन दिख गया, रहा नहीं गया। उसने तुरंत मावा थोड़ा सा खरीदा जिसमें चार गुलाब जामुन बन जाए। कितने बन जाए? बोलो कितने बन जाए? चार बन जाए। दो बड़े बनवाऊंगा और उसके दो छोटे छोटे बनवा के चारों और खा लेंगे, भोजन के साथ इतना मीठा ठीक है। घर पहुंचे सेठ जी, बढ़िया जाके सोफे पर बैठे, पत्नी को मावा दिया, बिल्कुल सोफा ऐसी जगह जहां से चौके की कढ़ाई साफ साफ दिखाई देती हो, कहीं घोटाला ना कर जाए, कुछ तो दबा के ना ले जाए। बढ़िया गुलाब जामुन तैयार हुए, खुशबू से ही सेठ जी आनंदित थे। अब जिसने साल भर से ना खाया हो उसको खुशबू मिल जाए है? अब आप सोचो, अब आपके यहां तो ऐसा है साहब, एक महाराज गए, अभी हम जाएंगे तो पता नहीं किसका नंबर तैयार है रखने का, कोई ना कोई। अच्छा है भैया, अच्छी बात है, लेकिन ये आपकी बात है सागौड़ा वालों की, कहीं दूसरी जगह ऐसी आदत हो जाए तो लफड़े पड़ जावे। वो कहते हैं आजकल महाराज आते हैं चले जाते हैं। पहले एक पिक्चर आई थी, तो ध्यान है जोशी जी, इश्क, बहुत पुरानी पिक्चर, हमारे कॉलेज के टाइम पिक्चर है। उसमें दो हीरो रहते, दो हीरोइन रहती है, एक हीरो हीरोइन के चक्कर में छत से गिर जाता है, राम राम करते करते करते। अब दूसरा दोस्त उससे बोलता है, क्या तू लड़की के पीछे भागता है पागल, बस लड़की और ट्रेन इनके पीछे नहीं भागना, ये एक जाती और दूसरी। तो मैंने सोचा उस, लेकिन आप क्या कम से कम इतनी शांति तो है कि संत आते हैं बराबर, आप उनका ध्यान रखते हो, सम्मान करते हो, आप सुन लेते हो, सुना देते हो, लेकिन कई जगह की स्थितियां तो इससे भी बदतर स्थितियों में हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना, वो पुण्यवान जीव है जिसके गांव में जिसके नगर में संतों का सानिध्य होता है, और वो और पुण्यवान है कि संत हमारे नगर में आ जाए, ये उतना बड़ा पुण्य नहीं, जितना बड़ा पुण्य ये है कि हमारी भावना उनके पास जाने की बनी रहे। बार बार हमेशा कहता हूं, संत आपको याद करे, ये आपके महान पुण्य का उदय है। सेठ जी ने गुलाब जामुन जैसे सामने आया, चाशनी में डूबा हुआ था, और जैसे ही उन्होंने मुंह के ऊपर रखा, एक बूंद टपकी थी मुंह में। आह, सोच लो, मैं कह रहा था ना आपसे, यदि आपके सागवाड़ा में 6-8-10 महीने कोई साधु ना आए हो और अचानक पता चले अब महाराज आ रहे हैं, कैसा लगेगा बोलो? अरे प्रसन्नता छा जाएगी, बहुत दिन बाद महाराज अपने आ रहे हैं, ऐसे गुलाब जामुन आया था। जैसे मुंह में एक बूंद टपकी सेठ जी तो बिल्कुल प्रसन्नता, आहा हा, उतने में नौकर दौड़ा 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 आया। सेठ जी गजब हो गया। अब क्या बोले, वो बूंद का रस ले, किससे पूछे, वो तो पहले बूंद का रस ले, अगर ये चली गई तो लफड़ा बहुत साल बाद तो आया, बहुत महीने बाद आया है। वो जैसे हूं करते हैं, उतने में वो नौकर बोलता है कि सेठ जी बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। जैसे बुरा शब्द क्या सुना था, उस सेठ की जबान पे तो आग लग गई, कहां तो मीठा रखा था और कहां आग लग गई। बोले वो
तुरंत वो कहता है सेठ जी, वो अपनी जो किनारे का शक्कर का गोदाम था जहां शक्कर रखी जाती थी, वहां आग लग गई और सारा का सारा माल जल गया। कम से कम 15 लाख का तो वो और पूरा गोदाम जला तो 25-30 लाख का नुकसान हो गया। अब सेठ जी की आंखों में झरझर 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 एक बूंद तो मीठा खा पाए थे और ऊपर से आंसू झरने लगे, ऐसा लगे जैसे जीभ में आग रखी। बड़े आश्चर्य की बात, अभी वही गुलाब जामुन का जो रस था वो ऐसा आनंद दे रहा था जैसे अमृत रखा हो, और एक क्षण में ऐसा हो गया कि जैसे बिल्कुल आग लग गई हो। अद्भुत देखिए, इधर पानी पूरी कोई खाए और आंख में आंसू आए तो समझ में आता है, हाँ? पानी पूरी खाओ और आंख में आंसू नहीं आ रहे, झन्नाटा नहीं लगे, तो पानी पूरी खाने का मजा क्या बिगड़ रहा है? सजे की झूठे बोलो महाराज, बिल्कुल पानी पूरी का और झन्नाटे खा रहे, लेकिन गुलाब जामुन खा रहा और झन्नाटे लग रहे, ऐसा भी दृश्य देख लो आप। सेठ जी जैसे विकल्प में थे, आंख से आंसू थे, उतने में छोटा वाला लड़का वहां से निकल करके आया। बोले क्या हुआ भाई, किस बात के मुंह में गुलाब जामुन और आंख में आंसू, ये अद्भुत दृश्य कैसे दिख रहा है? वो तुरंत सेठ जी इशारा करते, मुंह खोल नहीं पा रहे, बंद नहीं कर पा रहे, गुलाब जामुन वही का वही अटका है, इधर बूंद है और उधर आंख में आंसू। वो कहता है ऐसा ऐसा गजब हो गया। तो तुरंत कहता है छोटा बेटा, अरे क्यों टेंशन लेते हो, घबराओ मत। बोले हो सेठ जी तो बड़े खुश हो गए, घबराओ मत का मतलब क्या? उनने बोला अरे आप बिल्कुल चिंता मत करो, कल शाम को 5 बजे सौदा कर दिया था, कितने? बोले 1 करोड़ में। बड़े खुश सेठ जी, 10 लाख की जमीन, 15-20 लाख का माल और सौदा कितने में करके आया? 1 करोड़ में। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तैयार कि 25 का माल 1 में बेच करके आया मेरा बेटा। और बस उन्होंने त्याग देखा रहा, ताव खटाक गुलाब जामुन मुंह के रखाई था, उतने में बड़ा बेटा सामने आ गया। अभी जो मुंह नीचे जा रहा था वो वापस मुंह होता ना, आजकल इमोजी चलते ना, जरा जरा सी बात पर मुंह टेढ़ा हो जाता है, मुंह सीधा हो जाता है। आदमी यहाँ हंसता है लेकिन वहां सामने वाले को रोता हुआ चेहरा। आचार्य भगवंत कहते थे अगर वर्तमान के समय में झूठ बोलने का कोई सबसे बड़ा साधन है तो क्या? आदमी देहरी में खड़ा होता है और कहता है देहली से बोल रहा हूं। क्या? देहरी पे खड़ा होता है और कहता है देहरी से बोल रहा हूं। आज जितने रिश्ते बिगड़ रहे हैं, आज जितने परिवार बिखर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है तो क्या? आपका अधिक से अधिक मोबाइल पर डिपेंडेंट होते चले जाना। हम जितना सोशल मीडिया पर, जितना इन साधनों पर, जिस व्यक्ति ने एटम बम बनाया था उस वैज्ञानिक ने निश्चित रूप से एटम बम बनाने के बाद अपने इंटरव्यू में साफ कहा था कि मैंने ये बम आविष्कार की दृष्टि से बनाया है, मैंने ये परमाणु बम मानव की सेवा के लिए बनाया है, संसार में एक भय रहे कि हमें युद्ध नहीं करना है, इस भय के लिए बनाना है ये बम, ये परमाणु बम तब तक मानव सेवा के लिए काम आएगा जब तक मानव का दिमाग ठिकाने पर है। जिस दिन मनुष्य का दिमाग ठिकाने से हट गया उसी दिन यही बम, यही आविष्कार इसका नुकसान कर देगा। आज वही हो रहा है जो हमारी सुविधा के लिए था, हमारी व्यवस्था के लिए था, हमारे विकास के लिए था। आज वही मोबाइल हमारे बच्चों के पतन का कारण बन रहा है, हमारे नैतिक पतन का कारण बन रहा है। आप सोचिएगा, विचार करिएगा, जब हम कॉलेज में थे हमारे पास मोबाइल था, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की बात है, 250 रुपए का रिचार्ज करवाता था वैभव, 97 रुपीज का टॉक टाइम मिलता था। कितना? 250 का रिचार्ज, तब 97 रुपए की बात करने को मिलता था। आज क्या उल्टा कर दो, 25-30-50 रुपए का रिचार्ज करवाओ और एक दिन में 1.5-1.5 GB का डाटा। आप सोचिए 1.5 GB क्या होता है? पहले कहते थे भगवान महावीर का क्या संदेश, जियो और, अब तो जियो दो और मार दो, एक जियो की सिम 1.5 GB में खत्म जिंदगी पूरी की पूरी, क्योंकि उस बच्चे की औकात ही नहीं है, वो सारा दिन 1.5 GB खत्म करने के चक्कर में रखा, अभी भी डाटा बचा है। पहले आदमी नींद आने पर सोता था, अब कहते डेटा खत्म होता है तो सोता है, क्योंकि बैटरी तो खत्म होने का अब सवाल ही नहीं, पावर बैंक साथ में लेके चलते हैं लोग, अब डेटा ही खत्म होता है, बाकी तो कुछ खत्म होने वाला है ही नहीं। लेकिन याद रखना, भूल रहे हैं, वो डेटा खत्म हो चाहे ना हो, हमारी जिंदगी तो खत्म अब
विमर्श हो रही है, बंधुओं ध्यान रखना, इसके पहले कि हम गुजरे अपनी इन आदतों को गुजरने का मौका अवश्य देना, लेकिन जीवंत हम जिंदा तो रह जाएंगे लेकिन हमारे अंदर से जीवन समाप्त हो जाएगा। वो गुलाब जामुन मुंह पर रखा था, बड़ा बेटा आया, बोले क्या हुआ, किस बात की सब चल रहा है? तुरंत उसने बताया आग लग गई थी। लड़के ने कहा मैंने सौदा कर दिया था। तो बड़ा लड़का बोलता है फिर तो वापस घोटाला हो गया, क्योंकि तूने 5 बजे सौदा किया, मैं घर लेट आया इसलिए तुमको बता नहीं पाया, और रात को 10 बजे आकर के मुझे सौदे की रिसीट वापस लौटा के चला गया कि मैं सौदा नहीं करना चाहता, और आग उसके बाद लगी, सेठ जी के तो मुंह में वापस आग लग गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सच में सेठ जी के मुंह में मीठा था कि आग थी? बोलो भैया, बोलो भैया, ओम नमः सीधे भ्या, समझे नहीं समझे? ऐसा थोड़ा सा कहीं तो ऐसी बैठी हुई है, बिल्कुल मैयत वैयत में नहीं आया भैया, प्रवचन सुनने के लिए आए हो, थोड़ा सीधे बैठ जाओ। जो ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा बैठेगा सबसे निद्रा देगी सबसे पहले उसी को आने वाली है। तो सेठ जी के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि सेठ जी की जबान पर मीठा था कि आग थी? जबान पर तो मीठा था लेकिन दिमाग में क्या थी? प्रश्न मेरा आपसे है, अगर वस्तु ही मीठी होती तो फिर तो पहले भी मीठी थी और अभी भी। आपको याद होना, याद हो आज से 5 साल पहले जब मैं आया था आपको एक उदाहरण दिया था, शायद आप भूल गए होंगे क्योंकि उसके बाद बहुत सारा आपने सुन लिया है। अब आप एक बार वापस उस बात को दोहरा देता हूं। एक बच्चा बहुत गर्मी में अपने घर आया, बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, जैसे ही गर्मी में आके हांफ रहा था मां ने उसके सूखे होंठ देखे और उसके हाथ में गिलास पकड़ा दिया, ले बेटा पी ले, क्या है? रसना है। क्या है बोलो? रसना। बड़े प्यार से उसने रसना लिया, गट 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 गट, बिल्कुल 3 से 4 सेकंड में गिलास खाली। माँ ने कहा लगता है तुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, एक गिलास और पी ले। उसने सोचा बड़ी खुश है आज तो मम्मी, एक गिलास के बाद मना कर देती थी, आज दूसरा गिलास भी पिला रही है। उसने गिलास लिया, गट 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 गट, लगता अभी भी प्यास बची है, एक गिलास और पिला दिया। वह लड़का बोलता है बस करो, बोले नहीं एक गिलास और पीना पड़ेगा। जैसे गिलास लिया, गट 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 गट, ध्यान दीजिएगा, पहले 3 सेकंड लगे, दूसरे गिलास में 15 सेकंड लगे, तीसरे गिलास में 25 सेकंड लगे। मां ने जिद कर करके 7-8 गिलास तो पिला दिए। अब बोली एक गिलास और पी, तो बेटा बोलता है पिला पिला के मारोगी क्या? नहीं बेटा, ये मरने के लिए रसना है। क्या है बोलो? बोलो ना भैया, हे बोलो, थोड़ी थोड़ी आवाज करके आ करो, तो साथ में चलेंगे ना तो हम बहुत दूर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? रस ना है, पी ले बेटा, पर मां मैं इतना सारा पी लिया, देख तू मेरी बात नहीं मानेगा, तुझे मेरी कसम है महिलाओं का हथियार था, मेरी कसम है तुझे बहुत बड़ा हथियार दे दिया भैया, पीने ही पड़ेगा। बच्चे ने गिलास हाथ में लिया, अरे अभी तो अमृत लग रहा था, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा था, पहले ग्लास में तो गट 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 कर दिया, दूसरे ग्लास में गट 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 गट, तीसरे ग्लास में गट गट गट, चौथे ग्लास में गट गट गट, पांचवे में और स्लो हुआ, छठवे में और स्लो, आठवें में हाल क्या हो रहे हैं? अरे ये क्या करता है भाई, अमृत है रसना है कि नहीं बोलो? तब वो कहता है मां मैंने 7 गिलास पी चुका हूं, अब कैसे पीऊं, मुझे अब जरूरत ही नहीं है। मां ने कहा बेटा बस यही मुझे तुझे बताना था कि पहले गिलास में भी रसना था और 8वें गिलास में भी रसना है, लेकिन पहले गिलास का रसना तुझे आनंद दे रहा था और अब का रसना तुझे वमन करा रहा है। कारण क्या? आचार्य भगवंत कहते हैं कि रसना में रस होता, देखो रसना क्या कह रहा है, एक बार अच्छे प्यार से बोलो रसना, और प्यार से रसना, थोड़ा तोड़ के बोलो रसना। क्या बात, कई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ना साहब, वहीं पर सब लिखा है, सब आपको उस शब्द से समझ में आ जाएगा। रसना इज सेइंग इटसेल्फ, रस ना, अगर मुझमें रस होता
तो पहले ग्लास में जो आनंद था वही आनंद आठवें ग्लास में भी आना था, लेकिन पहले ग्लास का आनंद क्यों था? क्योंकि शरीर को जरूरत थी, शरीर में गर्मी थी, पेट खाली था, गला सूख रहा था, इसलिए रसना रस दे रहा था। और जैसे ही शरीर की जरूरत रसना का रस भी, इसका मतलब पदार्थ मनोहर नहीं है, हमारी इच्छा है तो वह अच्छा लगता है, और हमारी इच्छा नहीं होती है तो वही पदार्थ हमको जहर जैसा लगता है। ज्ञानी वस्तु के स्वभाव को समझता है, ज्ञानी शरीर के स्वभाव को समझता है, ज्ञानी पदार्थों के स्वभाव को समझता है, ज्ञानी भोग के स्वभाव को समझता है। कल हम लोग स्वयंभू स्तोत्र पढ़ रहे थे, आगे सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, स्वास्थ्यम यदात्यंतिकमेक पुंसाम स्वार्थो न भोगः परिभंगुरात्मा त्रचो न संगान ताप शांति रितीत माख्यात। भगवान सुपार्श्वः के भगवान हम स्वस्थ हो जाए, अपनी आत्मा में स्वस्थ हो जाए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य भोग नहीं है, भोग तो सहारा है, भोग तो माध्यम है, भोग तो मात्र रास्ता है, लेकिन हमें भोग में फंस करके नहीं रहना। मैं आपसे पूछता हूँ, ये सीढ़ी आपको बिछाई होगी सेठ जी, सोने की बनवा दो क्या काम आएगी? बोलो भैया, चांदी की बनवा दो, हीरे की बनवा दो, है चढ़ना कहाँ है? ऊपर चढ़ना है, सीढ़ी किस काम की? चाहे तुम पत्थर की बनवाओ, चाहे चांदी की बनवाओ, चाहे कांच की बनवाओ और चाहे सोने की बनवाओ, लेकिन सीढ़ी तो सीढ़ी रहेगी। सीढ़ी का उपयोग हमें माध्यम के रूप में करना है, सीढ़ी का उपयोग हमें मीडियम के रूप में करना है, और माध्यम से मंजिल तक पहुंचना है। ज्ञानी माध्यम को माध्यम समझता है, लेकिन अज्ञानी उस माध्यम को सब कुछ समझने लगता है। जो सीढ़ी पकड़ के बैठ जाएगा वो कभी भी मंजिल पर पहुंचने वाला नहीं है। ये शरीर को छोड़ दो, मैं आपको और बड़ी बात कह रहा हूं, हम भी आपके लिए माध्यम है। रे मूढ़ तू जन्मता मरता अकेला, रे मूढ़ तू मरता जन्मता अकेला, कोई न साथ चलता गुरु भी न चेला। देखो अर्जुन नंदी महाराज कितने समय से महाराज के साथ थे, लेकिन जब कर उम्र पूरी होने का समय आया, भाग्य देखो कि महाराज यहां है। और महाराज जरूरी नहीं हर किसी का पुण्य हर जगह साथ लेके, इसलिए कहता हूं रोज भावना करो, हो संयम मय जीवन न आदि व्याधि हो, बस एक तमन्ना है गुरु चरण समाए। बहुत दुर्लभ जीव है, बहुत पुण्यवान जीव है जिनको ऐसे समय में वैयावृत्ति करने का भी विवेक। कल ही कोई बाहुबली बगनी से आए, किसी छुंदिका माता जी के पेट की सिकाई कर रही थी, गर्म पानी से पूरा थैली भरी हुई थी और ज्यादा गर्म कर दिया वो थैली, गर्म पानी की तीव्रता हो गई, थैली फट गई, पूरा पेट जल गया उसका। आप सोचिए वैयावृत्ति करने का कितना विवेक हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका तो हो गया, आप तो निकल गए, लेकिन साधु को जो कष्ट सहन करना पड़ेगा। इसलिए वैयावृत्ति करते समय बहुत ध्यान रखिए। अभी आज खबर मिली सुनील सावर जी का स्वास्थ्य भी खराब है, लेकिन लोग करते क्या है? क्या हमने साधु को थोड़ी प्राइवेसी दी? हम तो चाहते बस मेरे सिर पे हाथ रख दो, बस मुझे दर्शन करने मिल जाए, बस मुझे पैर छूने मिल जाए, बस मुझे आहार देने को मिल जाए। मुझे याद है एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने कहा था, आप हमें शुद्ध पानी देते हैं, आप हमें शुद्ध भोजन देते हैं, आप हमें शुद्ध स्थान भी देते हैं, आप शुद्ध कपड़े भी पहन लेते हैं, लेकिन आप हमको शुद्ध वातावरण कभी भी नहीं देते हैं। घेरना चाहते हैं, आप घुस जाना चाहते हैं। अरे साधु भी पंच परमेष्ठी है, आप विचार करिएगा कि आप जब पंच परमेष्ठी का स्पर्श करते हैं तो उन पंच परमेष्ठियों में अरिहंत की प्रतिमा को स्नान करके सोने के वस्त्र पहनकर छूते हैं, और मुनिराजों को कई तो ऐसे भी देखे उधर जूते उतारे, हाथ भी नहीं धोए, सीधे आके महाराज को छू,
पंच परमेष्टि का स्पर्श भी पूरी शुद्धि के साथ करना चाहिए, विशुद्धि के साथ करना चाहिए। जितने परिणाम निर्मल हो उतनी आपकी काया भी निर्मल होनी चाहिए। वो सेठ जी के मुंह में गुलाब जामुन, तीन बार परिणाम बदले। आचार्य भगवंत कहते ज्ञानी जानता है पदार्थों के स्वभाव को, ज्ञानी जानता है पदार्थों की व्यवस्था को, कि पदार्थ तो है और कल रहने वाले नहीं है, वो तो मिटते चले जाएंगे, उनका रूप बदलता चला जाएगा। मुझे रूप के चक्कर में नहीं फंसना है, मुझे तो स्वरूप की ओर देखना है। किसकी ओर देखना है बोलो? हाँ, विज्ञान कहता है मैटर्स के नाइदर बी क्रिएटेड के नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा विनिमयन का सिद्धांत है कि पदार्थों को बनाया नहीं जा सकता, पदार्थों को मिटाया नहीं जा सकता, पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते चले जाते हैं और मूल प्राणी उस परिवर्तन में प्रसन्न होता है, उस परिवर्तन में दुखी होता है। जबकि विद्वान ज्ञानी वो जानता है कि रूप का परिवर्तन होगा लेकिन स्वरूप का परिवर्तन लगभग सभी के गले में सोना तो है, लगभग जेंट्स है तो हाथों में अंगूठियां या ब्रासलेट, महिलाएं हैं तो गले में चेन तो कम से कम सबने पहनी हुई। वो जमाना गया जब मंगलसूत्र पहना करते थे, अब तो सब सब गया। पहले सिंदूर डलते थे, अब तो सिंदूर देखो गिन के एक आध किसी का मिल जाते थे। हाँ, ज्यादा कहो तो ऊपर से उल्टा जवाब और देती है, आदमियों को लगवाओ महाराज, हम तो घर में रहते, हमारा तो पक्का है कि इनकी है, ये घूमने जाते दुनिया भर में, इनको पहले सिंदूर लगवाओ, ये निशान लगा के जावे, ये ठप्पा लगा करके जावे। सही, आचार्य भगवान कहते मानव की खोपड़ी सबसे खतरनाक है। आप कभी सोचा राकेश भाई, सोचो कभी विचार करो, खतरे के निशान में कुत्ते का मूड नहीं है, खतरे के निशान में शेर का भी नहीं है, नाक बहुत खतरनाक होता उसका भी नहीं, खतरे के निशान में किसका मुंडा बना होगा तो बोलो ना, आपको बोलते हमारा भी अपन भी वही मुंडा है। खतरे के निशान पर मानव की खोपड़ी, क्योंकि ये खोपड़ी इतनी खतरनाक है, अगर ये बिगड़ जाए तो नरक पहुंचा सकती है, और अगर ये संभल जाए तो स्वर्ग से होकर आपको सिद्धालय तक पहुंचा सकती है। अब खोपड़ी का प्रयोग आप कैसे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। खोपड़ी तो सबको एक सी मिली है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन सॉफ्टवेयर सबका एक सा है। उस सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट आपको कैसे करना है वो आप जानिए। आप ज्ञान स्वभाव से भी डेवलपमेंट कर सकते हो और अज्ञानी बन करके भी कर सकते हो। अज्ञानी बनोगे अनंत भाव भ्रमण करना है और ज्ञान स्वरूप को धारण करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 भाव के अंदर निर्वाण पक्का है। सबने गले में सोने की चेन पहनी, पहनी की नहीं पहनी बुलाओ। आप एक काम करो, गौड़िया जी के जाओ, उनसे बोलना है चेन का ब्रेसलेट बनवा दो, बना देंगे, बना दोगे ना, लोगे जाओ लेकिन बना दोगे, ठीक है, थोड़े दिन ब्रेसलेट पे रहने ना। फिर एक काम करना कीर्ति भाई के यहाँ चले जाना, बोला आप इस ब्रेसलेट का गंदोरा बना दे, बना देंगे, वो भी आपसे बोलेंगे भैया बस मेहनत लगेगी, बाकी तो आपका सोना है, आप बना दो। विचार करना, ब्रेसलेट बना लिया, हार बना लिया, कंदूरा बना लिया, ये तो बदलता ही चला जा रहा है, मगर एक चीज है जो नहीं बदल रही, क्या है बोलो? विश्वास। इसलिए जितने विश्वास के साथ देके आ गए थे कि रूप बदलेगा लेकिन स्वरूप बदलने वाला, पर अपने में आके अपन क्यों फेल हो जाते हैं? आप छोटे से थे, युवा हुए, प्रौढ़ हो रहे हो, वृद्ध भी हो गए होंगे और वृद्ध हो जाओगे, फिर घबराना क्या, क्योंकि हमको पता है कि शरीर बदलने वाला है, हम बदलने वाले। आप तो कल भी वही थे, आज भी वही और कल भी वही रहने वाले हो। आचार्य भगवंत पूज्यपाद महाराज इष्टोपदेश में कहते हैं नमे मृत्यु कुतो भीतिर नमे व्याधि कुतो गता नाहम बालो न वृद्धो हम न युवै तानि पुद्गले आई एम नॉट सब्जेक्ट टू डेथ देन व्हाई डू आई फियर विद डेथ। जब मैं मरण का विषय ही नहीं हूं तो मैं डर किस बात से रहा हूं, क्योंकि मरेगा तो शरीर, आत्मा मरने वाली नहीं। आई एम नॉट सब्जेक्ट टू डिसीज, मैं रोग का विषय नहीं, रोग शरीर को होगा, आत्मा को रोग होने वाला। ये चाहे बचपन है,
चाहे जवानी है चाहे बुढ़ापा है, ये सारे पुद्गल का खेल है। आत्मा अपने कर्म के कारण ऐसे पुद्गल को भोग रही है। अगर आत्मा अपने परिणामों को संभालेगी तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पर्याय मिलेगी, और अगर आपने अपने परिणामों को बिगाड़ा तो आपकी पर्याय बिगड़ने में भी देर लगने वाली। अरे एक मुनि खरबूजे के लिए मन आ गया तो क्या बन गया? खरबूजे में जाके कीड़ा बन गया। क्या मुनि सिद्ध बन सकता था? तीर्थंकर बन सकता था और तीतर बन गया। इसलिए आचार्य भगवंत कहते, तुम चाहो तो गागर में सागर बन सकते हो, तुम चाहो तो बादल बनकर धरा तृप्त कर सकते हो। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है? हम गागर में सागर भरने की योग्यता रखते हैं, हम बादल के समान धरा को तृप्त कर सकते हैं, और तुम चाहो तो ज्ञाता दृष्टा तीर्थंकर बन सकते हो, लेकिन हमने अपने स्वरूप की तरफ कभी भी दृष्टि नहीं। आप ये मत सोचना कि महाराज अभी ये कहेंगे कि दीक्षा ले लो, अच्छे से खाओ अच्छे से पियो, लेकिन अच्छा खाओ और अच्छा पियो। क्या कहा? अच्छे से तो खाओ मगर अच्छा खाओ, अच्छे से तो पियो लेकिन अच्छा पियो, ये भी ध्यान रखना। अच्छा अच्छे पी के बता देना, ठीक है? कहने का तात्पर्य आचार्य भगवंत कह रहे, घर पर रहो मुझे कोई समस्या नहीं। ये मत समझना कि गृहस्थी धर्म नहीं कर सकता, ये मत समझना कि गृहस्थ धर्म मार्ग पर नहीं चल सकता, ये मत समझना कि गृहस्थ मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकता, मगर इतना ध्यान रखना गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहमान अनगारो ग्रहीशेहान निर्मोहो मोहिनो मुनि। उस मुनि से वो गृहस्थ श्रेष्ठ है, वो मुनि बन गया, मंदिर में बैठ गया, धर्म क्षेत्र में आया और घर का विचार कर रहा है। गलत बात, वो घर पर बैठा है, वो दुकान में बैठा है। अरे यार आज मैं प्रवचन सुनने नहीं जाता है। एक अभी ऐसा भी हो सकता है किसी का मन को, बस यार दस दस तो हो गए महाराज, छोड़ो मत आओ भैया। क्यों? क्योंकि आपने आकर के भी पाप कमा लिया है, आकर के भी विचार कर लिया, अरे कितनी देर पकड़ेंगे हम तो हल्के फुलके महाराज जी, अपन तो 20-25 मिनट में कुछ डब्बा हो जाते हैं। लेकिन कब छूटेगा, कब जाना है, कब उठेंगे? लो धर्म क्षेत्र में आकर के भी चिंता किसकी चल रही है? अब आप खुद निर्णय कर लो, धर्म क्षेत्र चिंतन घर का, घर और चिंतन आप खुद ही निर्णय कर लेना, कहां हो और कहां का चिंतन चल रहा है, यहां हो और कहां का चिंतन चल रहा है। ज्ञानी कीचड़ में रह करके भी कीचड़ को ग्रहण नहीं करता, और अज्ञानी जरा सी कमी आ जाए तो अपने स्वरूप से बिगड़ जाता है, उसका स्वरूप बिगड़ जाता है। हमारा स्वरूप ज्ञानमय है, दर्शनमय है। आज संकल्प कर लेना, आज दिन भर अभ्यास करना है। गुरुदेव ने कहा था, देखो जानो और बोलो ना, कहां जाने दो चित्री गलिया को, कहां जाना है बोलो? अभी तो कड़कता जाना है, नहीं जाना कंट्रोलर जी, आपका ही फायदा, हम जाएंगे तो देख लेना, आपका ही फायदा है अगर हम उस तरफ जाएंगे तो, ध्यान रख के चलना। तो इसलिए देखो जानो और बिल्कुल अपने जीवन को, अपने परिणामों को आईने के समान बनाओ। किसके समान बनाना है बोलिए? क्यों, आईना क्या करता है? स्वागत सबका, बोलो फिर से बोलो, अच्छे से बोलो, जोर से बोलो। एक जगह मैंने बोला जोर से बोला तो बोले जय माता दी। स्वागत सबका, संग्रह किसी का नहीं। कैसा स्वभाव है आईने का देखिए, वो ये नहीं देखेगा ऊंच है कि नीच है, अमीर है कि गरीब है, बच्चा है कि बूढ़ा है, गोरा है कि काला है, तेरा पंथी है कि 20 पंथी है, एक्स है कि वाई है कि जेड है, कुछ नहीं देखेगा। आईना तो स्वीकार करेगा लेकिन संग्रह नहीं करेगा। यदि जिस दिन अपना स्वभाव ऐसा बना लिया, स्वागत सबका लेकिन संग्रह किसी का नहीं, आप याद रखना वही दिन है आपकी आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आज नमक नहीं डाला, जितने ताली बजाने वाले हैं देखो जानो और नहीं डाला तो नहीं डाला, भैया मांग लेना लेकिन नाराज मत हो जाना। क्या कहा? तुम्हारी शान घट जाती या रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता,
पत्नी बहुत गुस्से में थी, चिल्ला दिया पति को, जानवर हो एक नंबर के। पति ने कहा कोई बात नहीं, मैं जानवर सही। जब पत्नी का गुस्सा ठंडा हुआ तो पत्नी बोलती तुम मुझे जानवर, पति कहता तुम मुझे जानवर कह रही थी। पति कहता पत्नी से तुम मुझे जानवर कह रही थी। पत्नी कहती आपको बुरा लग गया? बोले नहीं बिल्कुल बुरा नहीं, सब सुनने में आप सही में जानवर हो। बोले क्या बुरा लगना, अरे तू मेरी जान और मैं तेरा। इसमें घबराने की क्या बात है, इसमें लड़ने की क्या बात है, इसमें चिढ़ने की क्या बात है। इस तरीके से ज्ञानी व्यक्ति बुरे में भी अच्छा निकाल लेता है, वेस्ट को भी बेस्ट बना लेता है। निर्णय आपको करना है, रूप देखकर अज्ञानी बनना है या स्वरूप की तरफ देखकर हमें ज्ञानी बनना है। ज्ञानी स्वर्ण के समान है और अज्ञानी लोहे के समान है। निर्णय हमको करना है। आज सारा दिन अभ्यास, कई बार परिस्थितियां बिगड़ेंगी लेकिन मुस्कुरा जाना, क्योंकि मुस्कुराना दुश्मन की सबसे बड़ी सजा है। क्या है बोलो? हंसना नहीं, राम बनना है, रावण नहीं बनना। बॉम्बे गया अभी, डूंगरपुर में लाफ्टर क्लब चल रहे हैं। ये वही दुखी लोग हैं जो घर पे सुखी नहीं रह पाते, लाफ्टर क्लब में जाकर। अरे अपन देखो इतने प्रसन्न है, दाढ़ दुख रही तो दुख रही यार, क्या कर ले, क्या करें अब बताओ, कहां चले जाए। लेकिन फिर भी कैलाश जी रोए हम दोपहर में, बोले जल्दी बोलो रोए क्या, शाम को रोए क्या, भैया वृत्ति करते जितने आए तो बोलो क्या किया हमने, तो भी मुस्कुराए, तो भी हंसे। अरे दाढ़ दुख रही, दाढ़ अपनी जगह है भैया, हम अपनी जगह है। अब दाढ़ दुखे और हम और मुंडा फुला के बैठ जाए, हम तो दुखी हो जितने बेचारे देखने के लिए आए, वो सारे दुखी। बाबूजी इतने खुश कैसे रहते, गाड़ी नहीं, लाड़ी नहीं, टेंशन ही नहीं किसी, कल का परसों का न नाई न दवाई न डाई न लुगाई न जमाई न बेवाई, कोई टेंशन ही नहीं है, बड़े प्रसन्नता से है। आप आए तो प्रवचन कर दिया, आप आए तो क्लास ले ली, नहीं आए तो बढ़िया किताब उठा के बैठ गए, अपना अध्ययन कर लिया। वही प्रसन्न है जैसा परसों आपसे कहा था, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। जो ये समझ गया वही सच्चा साधु बना। ये साधुत्व तभी आएगा जब हर परिस्थिति में आप मेंटेन करना सीख जाएंगे। इफ यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ विंड, एडजस्ट योर सेल्स। यदि आप हवा के डायरेक्शन को नहीं बदल सकते हो तो अपने सेल्स को एडजस्ट कर लो, यही दुनिया में सुखी रहने का सबसे अच्छा तरीका है। सेठ जी जैसे मत बन जाना कि जरा से मैं गुलाब जामुन मीठा लगने लगा और जरा से मैं गुलाब जामुन आग जैसा लगने लगा। हमको जरा जरा में आग और पानी नहीं करना, हमें तो परिस्थिति को देख करके अपने मन को संतुलन बनाने की कोशिश करना है। नहीं तो बाकी तो आज उनका दिन आ ही गया है, कल कौन सा दिन है बोलो ना। अरे वैलेंटाइन डे नहीं, अपने कोई भगवान का कल्याणक है, उनको वैलेंटाइन डे दिखाई दे रहा है। मेरे को मालूम था यही बोलने वाले, वही देखोगे और वही बोलोगे वैलेंटाइन डे। क्या क्या है वैलेंटाइन डे, क्या होता है जोशी जी, क्या है बताओ? आप तो पत्रकार हो, आपको बहुत पता होगा, मूर्खों का दिवस है। मैं तो सिद्ध कर रहा हूँ, लिखने वाला हूँ, 1 अप्रैल था मूर्ख दिवस, वो तो अच्छा दिन है, मूर्ख दिवस है। और मूर्ख दिवस क्यों कहो, मूर्ख सप्ताह, इनका प्यार सिर्फ 4-5 दिन ही उमड़ता है, बाकी साल भर टाटा बाय बाय। अरे इनका प्यार देखो, सेठ जी की शादी कहाँ हुई है, तू सब कहाँ हुई सर, ये टामटिया? अरे वाह, वो टामटिया वो मंदिर बहुत सुंदर, रात रुके थे मनोज भाई, वही है ना टामटिया। अब उस पूछिएगा इनसे, मतलब ये सेठ जी से, आज शादी को 40 साल हो गए, 30-35, आज भी सेठ जी के चेहरे की मुस्कुराहट देखा। आज तो सुबह मंगनी है ना, चट मंगनी पट गया फट तलाक। कारण है, पहले लोग कम मिलते थे लेकिन जब मिलते थे दम से मिलते थे, अब रिश्तों का दम निकल चुका है, क्योंकि लोग हरदम मिलते, सुबह हाय, दोपहर हाय, हाय 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 हाय, सब हाय हाय। भैया हाय हेलो छोड़िए और बोलो ना, उसमें भी आलसियों की हालत। अब जय जीवेंद्र भी लिखेंगे तो जे जे मार एक जी, इतने आलसी, इतने आलसी कि अपने भगवान का नाम भी जे 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 जिन्हें देखने में भी इनके हाथ टूट रहे हैं, अंगूठे टूट रहे हैं।
भैया बमसे भगवान का नाम अमित भाई डाल रखी हो। जय जिनेन्द्र, क्या बोलोगे गौड़िया जी? कैसा? JAIGINENDRA जे मत लिख देना, जय जिनेन्द्र लिखना, तो ये मूर्खों की मूर्खता है। आज 40 साल के बाद भी पूछो तो वापस आपस का प्रेम एक जैसा ही है। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है? अभी आप हमारे पवन भाई की फोटो देख लेना ऑस्ट्रेलिया की, अभी भी बिल्कुल वही का वही प्रेम क्यों है? क्योंकि वो प्रेम वासना के स्तर पर नहीं था, वो साधना के स्तर पर पहुंच चुका है। और आज का प्रेम साधना तक तो बहुत दूर की बात है, वासना के बिस्तर पर ही रह जाता है। यही कारण है कि इनको प्रेम का दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ रही है। अपन को कोई दिवस, लोग बोले न्यू ईयर आप नहीं मनाते, मैंने कहा भैया हमारा तो हर दिन नया दिन नई रात, कौन सा पल पुराना है मुझे ये बताओ। अभी जो अगला पल है वो नया पल है, आने वाला हर पल नया पल है। एक पल भी ऐसा नहीं जो चला गया वो वापस आ जाए, और एक पल ऐसा नहीं जो कल आएगा वो आज आ जाए, जो अभी है वो अभी रहेगा। इसलिए वर्तमान में जीव गुरुदेव हमेशा कहते थे, जो वर्तमान में जीता है वही वर्तमान बन सकता है, अतीत और भविष्य में जीने वाला कभी वर्तमान बनने वाला। देख सामने चल अरे, दिख रहे अवधूत, और जो पीछे मुड़कर देखता उसको दिखता भूत। जो वर्तमान में देखता है, वर्तमान में चलता है, नजर तो भविष्य पे रखो, सीख अतीत से लो और चलो कहां पर? ध्यान से सुनिएगा, सीख कहां से लेना? भूत से। देखना किसकी तरफ? मगर कदम कहां रखना? बस वर्तमान बनने में देर लगने वाली नहीं। बोले महावीर भगवान।